तुम वो कर दो शेर शेर नहीं, शेर नहीं। शेर। हाँ जी मैडम जी, क्या नाम है आपका? डीन सर, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? मैडम सुंदर आ रही है वैसे, करना वो वाली हरकत। सेक्सी आल तो भाई साहब, ये देखो 6'3" का आदमी, ऊपर एंगल थप्पड़ मारे तुम छोटे छोटे दब जाए। गॉड मॉर्निंग पीपल, तो कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया होंगे, तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और भाई इतने दिन हो गए तुम्हें चैं चैं पै पै करते हो कि भाई टीम नहीं दिख रही, टीम नहीं दिख रही, अंकित नहीं दिख रहा, डीके नहीं दिख रहा, सौरव नहीं दिख रहा, ये देखो लंबा अंकित। तो भाई आज अपना कॉलेज का फेस्टिवल युगांतर, यू रिमेम्बर युगांतर, कॉलेज के ऑडियंस को याद होगा अपने बाइक उठाएंगे, दो बाइक लेके आए, एक अपने पास है, एक ये लेके आया हीरो एक्सट्रीम, फुल रोला सेट करके मोटो ब्लॉक करते हुए चलेंगे। हेलमेट दिखाओ हमारे ऑडियंस, हेलमेट दिखाओ अंके। आज भाई ये GoPro Hero 11 वाला सेटअप पहन के चलेंगे, बढ़िया मोटो व्लॉग करेंगे और बढ़िया कॉलेज का व्लॉग बनाएंगे, सिस्टम हैंग कर देंगे, सिस्टम हैंग। चलो भाई ये पहन लेते अपना, क्या है ये काला डाकू वाला लूटना भी तरह था प्लीज। अंकित बन गया मैं लुटेरा? नहीं बनाया अभी से ढंग से पैर, तब बन गया। हाँ बन गया, रुक जाओ राइडर भी बन जाता हूँ, जल्दी पहन इसको। ये देखो इसके अंदर क्या लगा हुआ, बम है ये, बम डालना भी पड़ेगा। नहीं भाई नहीं, हमारे कॉलेज को ब्लास्ट नहीं करना, हमारी जिगर हमारा जान है हमारा कॉलेज। बन गया ना ड्राइवर, बन गया बन गया बन गया, चलते हैं इस वाले एंगल पे मिलते हैं। मैं हुसैन से स्टूडेंट, देखो आई कार्ड के साथ अपने कॉलेज आता है, ये ऐसे ही है, खर्चा निकल लेते हैं ऐसे ही कॉलेज में। वाह भाई वाह, अंकित क्या तगड़ी बाइक लेके आया है, क्या बाइक है, तो साइड हो बाइक दिखाने दे मेरे को। वाह जी आगे लिखवा है, याद है उससे बढ़िया लिखवा है, जय श्री राम है अंकित, जय श्री राम एक दिखा दे, जय श्री राम। और भाई वो खड़ी अपनी बाइक, उसको निकालते हैं। अंकित ये आप करो, कितनी बढ़िया बाइक लगेगी, दोनों को फिर खड़ी करेंगे साथ में, स्प्लेंडर नहीं निकालनी है। और भाई सुबह सुबह एक चीज देखी, आगे वाले टायर में हवा कम है, बहुत कम हवा है, दबा के देखते हैं, अपने पास बाकी पाइप रखा है, यहीं से भर लेंगे, चिंता मत करो। अंकित की एनर्जी वेस्ट करवाते हो, रुको तुम। लगा दिया अंकित को काम पर, अंकित ये कतई ब्लैक मांबा हो रहा है, पूरा ऑल ब्लैक, लग जा ला मैं मारता हूँ थोड़ी देर। ठीक है गाइस, आ गए अपनी बाइक पे, घुमाते हैं चावी। अंकित भाई कर ले स्टार्ट, चलो। और भाई जय श्री राम के साथ करते हैं अपनी राइड शुरू। मौसम अपडेट दे देता हूँ आपको, सुबह का समय हो रहा है 8:47 और भाई धूप निकली हुई है बढ़िया, ज़्यादा गर्मी नहीं है ना ज़्यादा सर्दी है, अपने बढ़िया से राइड करेंगे, अच्छे से जाएंगे अच्छे से आएंगे। तो मेरा कॉलेज यहाँ से अबाउट होगा 40 किलोमीटर वन वे अबाउट। ओहो दोनों टायरों में हवा कर ली है, आगे पीछे वाले में, और मेरे हिसाब से आगे वाले में थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, इसलिए स्लिप मार रही है बाइक। आ जाओ तो आज मज़े करते हैं, ये देखो भाई बंदा प्रॉपर इंडिकेटर देते हुए चल रहा है। अंकित किधर से होके चलेगा, मेजरगढ़ यहाँ से? यहाँ से बहुत सारा रोक है। हाँ रोड पार्ट चलो फिर, चलो चलो मैं फॉलो करता हूँ आपको, चलो भाई। ये कर लिया हेलमेट लॉक मैंने, सारे वेंट्स चेक कर लेता हूँ, एयर वेंट्स बंद है कि नहीं। हाँ भाई बंद है, चलो अब चलते हैं। ओहो क्या मौसम है, अंकित ले जा रहा है बोझावास होके, देखते हैं। बाइक तो भाई तगड़ी लगती है अंकित वाली भी, रेड टेप पहना हुआ है, ऊपर ऊपर जो शर्ट पहनी हुई है वो रेड टेप की पहनी हुई है, नीचे जो जूते पहने हुए हैं वो भी रेड टेप के पहने हुए हैं। आओ थोड़ी सी लीन मारते हैं, वीर शहीद अमर रहे। चलो 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 पहुंच गए मंडोला, और यहाँ से हमें जाना है राइट। अंकित ने कर दिया है इंडिकेट, मैं इंडिकेटर कम ही यूज़ करता हूँ यार, बिकॉज मेरे पीछे वाले इंडिकेटर ख़राब हो रखे हैं, ये फैंसी इंडिकेटर्स लगवाए थे और ये ख़राब हो गए भाई। अपने GoPro Hero 11 में रिकॉर्डिंग चल रही है 1080p और 60fps पे भाई, और स्टोरेज की कोई कमी नहीं है, और ये देखो बढ़िया रोड बना हुआ है, अंकित सही जगह से लेके आया है, थोड़ी सी खींच के चला है हम भी। और
अरे कबूतर देखा कितने क्लोज से उड़ा मेरे भाई, मुंह पे एक दिन चिड़िया लग गई थी, थोड़ी जंगली चिड़िया होती है ना उस टाइप की चिड़िया। हम किसको आगे आ जाने दो, बढ़िया लगती है यार हीरो की एक्सट्रीम भी 160 सीसी में है ये। हेलो भाई, गांव में आ गए, शायद यही भोजावास गांव है, एक गियर डाउन और बाइक को बचा बचा के ले जाएंगे। ऑल द मैंने बाइक ज़्यादा साफ तो नहीं की बिकॉज पहले से ही साफ खड़ी थी ये बाइक, लेकिन हम साफ सुथरे बन के आए हैं बिल्कुल। इंजन ब्रेकिंग सीख लेते हैं ना आदमी फिर तो मज़ा ही बहुत आते हैं। ये लो सेकेंड गियर पे ले आया इंजन ब्रेकिंग करते करते। अंकित की बाइक का आपको मडगार्ड दिख रहा है, कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ढीला होगा शायद इसलिए वाइब्रेट कर रहा है। ये साइड में देखो झोड़ कितना गंदा हो रखा है। कुछ दिनों में भाई इंटरकॉम भी ले आएंगे अपने, बढ़िया चलो चले। एंगल वेंगल बता दो भाई कैसा क्या आ रहा है, आवाज आवाज ठीक है, कमेंट कर दिया करो आप। पानी भरा हुआ है, इसमें से टायर निकल जाए तो भाई सारे कपड़े गंदे हो जाए, पेंट आगे आगे तक गंदी हो जाए। और आज यार काफी लोग जा रहे हैं गियर डाउन गियर डाउन गियर डाउन। अरे आराम से आराम से आराम से, छींटे नहीं डाले भाई मेरे जूतों पे, जूते आज साफ करके लाया हूँ मैं। भाई को जय श्री राम बोल देते हैं। जय श्री राम भाई। ये देखो ये लगे हुए हैं भाई खेत में सुबह सुबह लोग, शांत आती शांत शांत हो जाती शांत। कूल डाउन भाई, ये थोड़ी सी दूर में ऑफ रोड का पैच आ गया है गाइस। ये देखो ऑफ रोड करने में मजे आते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे ऐसे पहचाते जा रहे हैं, सही है। ये देखो आहा, सेकंड थर्ड गियर में निकालनी पड़ती है यहाँ से। ये लो पानी भरा हुआ है, चलो 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 चलो। ये पानी इसलिए भर जाता है भाई क्योंकि गांव कई कई गांव में ना जो सीवर लाइन्स होती है वो ढंग से मेंटेन नहीं होती। जैसे साइड में देखो सीवर लाइन बना रखी है, सही बना रखे है, अगर कोई ब्लॉक हो जाए ना तो उसके ऊपर से फिर पानी ओवरफ्लो करने लग जाता है। ये देखो जैसे मैनेजमेंट ठीक नहीं है इसलिए यहाँ पर कूड़ा गिरा हुआ है। और गाँव में भाई बाइक थोड़ी धीरे चलानी चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा गलियाँ होती हैं, कब पता क्या पता कब कौन सी गली से कौन निकल आए। जैसे एकदम से यहाँ से कोई बाइक वाला खींच के ला रहा हो और फिर हो जाए एक्सीडेंट, हमारे तो हाथ पैर टूटे ही और फिर भाई के भी टूट जाए। तो सामने आ गया है मेन रोड और इसको शायद ज्वाइन करना है। इंडिकेटर दे दिया अंकित ने राइट का, चलो तो दोनों साइड चेक कर लेते हैं। और टेली रोड ठीक है, हाँ जी तो ये कनीना वाला रास्ता है, समझ गया मैं, सामने कनीना वाला मेन रोड आ जाएगा। आहा चलो, ये देखो कितना कबाड़ गिरा हुआ है यहाँ पर, लो लंगड़ प्लास्टिक। ये बीच बीच में टाइल क्यों बिछा रखी है भाई, इधर टाइल और फिर रोड, इसके पीछे भी रोड, ये छोटा सा पैच क्यों छोड़ दिया। और ये एंट्रेंस गेट बना रखे हैं भाई, बढ़िया किसी गांव में जाने का एंट्रेंस गेट होगा। जुगी झोपड़ी और भाई ट्रैक्टर खड़ा हुआ है इनके पास, देखो कितने सारे ट्रैक्टर, चार पांच ट्रैक्टर थे इनके पास। अंकित ले गया खींच कर, हम भी खींचते हैं। क्या कहते हो गाइस, बाइक स्विच कर लें, अब थोड़ी देर उस वाली बाइक के आनंद ले लेते हैं, अंकित ये वाली चला लेगा। लाओ बाइक स्विच सिंबल दे दिया मैंने, यहाँ स्विच कर लेंगे अपनी बाइक्स। बढ़िया मजे आ रहे हैं ना राइड में, आधा एंगल लगा लेते हैं इसका सही सा। चलो गाइस कर लिए हमने बाइक स्विच और एंगल ज़्यादा चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं, सेम एंगल पे ही बात बन गई। चलो भाई चलो 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 अंकित, हाँ 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 हाँ
इसका बैठने का पोस्चर ही अलग है, और उसके पीछे वाले ब्रेक थोड़े मतलब अलग से हैं, अजीब से है, जो अपनी बाइक है उससे अलग है। एक तो इसमें ABS भी है, ऊपर से अंकित ने ब्रेक का भी काम करवाया था इस बाइक का, तो थोड़ा सा देख के चलाना पड़ रहा है। ओहो आवाज़ तो बड़ी रिफाइन सी आ रही है। मैं ब्रेक टेस्ट कर लेता हूँ इसका, ब्रेक दबा दबा के। बहुत रिफाइन भाग रही है, लेकिन मेरे को शीशे एडजस्ट करने पड़ेंगे इसके, शीशे थोड़े अलग तरीके से एडजस्टेड है अंकित के हिसाब से, अंकित के हाइट के हिसाब से। हाँ अब ठीक है, ब्रेक मार के देखूं, ठीक लग रहे हैं ब्रेक तो। हाँ ठीक है, सही है। अपनी अपाचे भी बढ़िया लग रही है, इसमें इंजन ब्रेकिंग भी अलग सी लगती है यार, डक 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 डक। अरे बंद कर दिया मैंने, थर्ड गियर में थी। वाओ देख रहे हो लोगों ने कितने ब्रेक लगाए हुए हैं इधर, अचानक इतना है। एक तो देखो बाइक बिल्कुल नहीं, अपनी बाइक 10 साल पुरानी है, ये बिल्कुल एक साल भी नहीं हुआ इस बाइक को, इतना रिफाइंड इंजन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सामने भाई बोर्ड आ गया है, इस पर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, सीमा नॉर्मल इस तरफ करके लिखा हुआ है सारे, स्ट्रेट का तो कुछ नहीं दे रखा, बीच वाला पोर्शन था उस पर लिखा होगा शायद। सामने बैरिकेड्स भी लगाए हुए हैं। जय हो, जाओ जाओ भाई, अब बाबा बुलाए तो चले जाना चाहिए। देखो गाड़ियों पे झंडे वंडे लगे हुए हैं, बढ़िया बिल्कुल, महिलाएं भी जा रही हैं, लड़के जवान दौड़ रहे हैं भाई, देखो पूरा महिला मंडल पिकअप में भरा पड़ा है सामान, डीजे वीजे चल रहा है, बढ़िया माहौल सेट है। चलो भाई चलते हैं, हम खींचते हैं अपनी, ओवरटेक लेते हैं इनको। हाँ जी, तो कहाँ गए हम? हम आ गए हैं चेलावास, ग्राम पंचायत चेलावास आपका हार्दिक स्वागत करती है, धन्यवाद जी धन्यवाद। यदवंशी शिक्षा निकेतन, बहुत धर्म कमाते हैं यार वो लोग जो उनके रुकने का प्रबंध करते हैं ना। और सामने आ गई है रेलवे लाइन, चलो चलो भाई अपने रॉन्ग साइड से निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है, की रॉन्ग है की राइट है। अंकित जुत्ती पहन गया है, जुत्ती जूते नहीं जुत्ती, पर गाड़ियों पे झंडे ही झंडे। कनीना आ गए भाई, लो जी वेलकम टू रिस्पॉन्सिबल सिटी कनीना। अरे ये कौन सा स्कूल है, यही है क्या यदवंशी? अच्छा जी ये है यदवंशी, ये यदवंशी की बसें खड़ी, कम ही बस इस जगह से, हमारे कॉलेज में तो दुनिया भर की बस है भाई, हर जगह सिंबल लगा रखे हैं हमारे एरिए में। टक टक टक, एक और गियर डाउन भाई, इस बाइक के क्या बताऊँ आपको, 100 का एब्जॉर्बर्स कितने बढ़िया हैं, बिल्कुल ही झटका नहीं लगता। ये चढ़ गए हैं भाई रास्ते पर अपने, वे टू महेंद्रगढ़। अब थोड़ी थोड़ी सी सर्दी लग रही है यार, स्लीव्स नीचे कर लेनी चाहिए, लेकिन चलने दो, थोड़ी देर में अपने आप धूप ज़्यादा हो जाएगी। ऑफ रोड पैच भाई। अरे अंकल जी, बिटिया अंकल जी के गिरा देगी, अंकल जी डर रहे हैं बहुत। चलो 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 चलो, बीच में से निकाल लेते हैं। अंकल जी बिटिया को हेलमेट पहनाओ और आप भी खुद पहनो, क्योंकि कच्ची उम्र है भी इनकी, ये गिरा देंगे आपको, और शायद लाइसेंस भी नहीं बना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, स्कूटी चला रही है कर लेंगे मैनेज।
और भाई यहाँ पे अपने वीर शहीद, जय हो इनकी। सामने ट्रक में, ये सामने इसमें क्या भरी हुई है भाई ट्रक में, ये है अच्छा, ये तो वो है पानी की टंकियां, और ये जा रहा है दूध, गांव से एक्सपोर्ट हो रहा है शहरों में। राम राम, राम राम अंकल जी। खींच लेते हैं थोड़ी, चलो गाइस। अंकित ने बाइक रुकवाई थी, कह रहा था बोला तेल डलवा लेते हैं बाइक्स में, मैं ठीक है भाई बिल्कुल डलवा लेते हैं। अभी पहुंच गए बूचावास, बूचावास प्रशांत के मामा है इधर, यू नो प्रशांत, अरे अपना तीसरा भाई यार, एक सौरव और एक प्रशांत, तीसरा नहीं दूसरा हुआ ना वो, हम तीन लोगों का बेस्ट ग्रुप है ना, मेरा सौरव का प्रशांत का, तो थर्ड मेंबर। डक 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 पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पर, अब डलवा लेते हैं इसमें पेट्रोल। अंकित ने गलत साइड लगा दी, इस तरफ लगानी थी। डलवा ले 200-200 करवा ले, 199 कर दो भाई 199। ये अंकित डलवा रहा है भाई 200 रुपए का, और क्या प्राइस चल रहा है, आज चल रहा है 96.97 यानी 97 रुपये। ये लो जी जीरो चेक कर लेते हैं अपना, और ये हो गया शुरू। बस ये डल गया सट से, इसकी चाबी भी नहीं लगी क्या ढंग से। लाओ भाई को दे देते हैं पैसे, कैश ही दे देंगे, अपने पास कैश रखा है। चलो गाइस थोड़ी सी आगे ले लेते हैं अंकित को, बाइक टैंक बंद करना नहीं आ रहा ढंग से, मतलब कर तो दिया लेकिन सही अलाइन नहीं हुआ। हाँ इसका सही हो गया, उसको निकाल एक बार, घुमा चाबी को, हाँ और अब दबा दोनों हाथों साइडों में से, चाबी अपने आप घूम जाएगी, दबा दबा ढंग से, हाँ आप घूम गई ना। चलो जी चलते हैं। अरे क्या रिएक्शन दे रही थी भाई, अरे भाई कैसे ऊपर बैठ के आ रहा है, अच्छा अच्छा सभी लोग बैठे हैं। सामने आ गया भाई महेंद्रगढ़ का फ्लाई ओवर, और इस पे चढ़ के काफ़ी आगे जाके सतनाली मोड़ से हमको लेना है राइट, और फिर 8 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाएंगे अपने कॉलेज में। अंकित दूसरे रास्ते से लेके जाएगा आई थिंक सो, हाँ अंकित दूसरे रास्ते से लेके जा रहा है जो सीधा सतनाली रोड पे ही निकलेगा। ये रास्ता अंकित को ही पता है भाई, मेरे को नहीं पता, मतलब हाँ जब इसके साथ आता हूँ तो यही लेके जाता है, ये गाँव के अंदर से होके जाता है, लेकिन बढ़िया है। सामने ट्रेन जा रही है गाइस, देखो ट्रेन इतने नजदीक से, क्या बात है। मैं भी यहाँ पर अंडर पास होगा कोई, ये अंडर पास, लेकिन हमें अंडर पास से जाना ही नहीं है शायद। यार क्या सीन लग रहा है ना, साइड में ट्रेन चल रही है, वाह एल्विश भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या, वाह हर्ष भाई से आगे ट्रेन जा सकती है क्या? Just kidding guys. बढ़िया लग रहा है, साइड में से ट्रेन जा रही है और हमारी दो दो बाइकें चल रही हैं साथ साथ। अरे रे 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 ऑफरोड। ये रहा, इस वाले से निकलना है। कई ट्रेन, बाय बाय। अंकित बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल राइडर है भाई, हॉर्न वोन बजा के निकलता है। ये रहा अंडर पास। चलो जी टाइल्स ही टाइल्स, लाल सफेद टाइल्स लोड की जा रही है ट्रैक्टर में। ओ भाई क्या बढ़िया बढ़िया घर बना रखे हैं, देख रहे हो ये तो कुछ हो रही है। फैमिली व्लॉग्स बनाओ, फैमिली व्लॉग्स बनाते हम भाई, ABS के तो अलग ही तरीके से ब्रेक लगते हैं, टायर ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अपनी वाली में चक्का जाम है।
बाकी ABS एडवांस होते हैं, रोक देते हैं, स्किट नहीं होने देते। लेकिन भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि जब मैं ABS दबाता हूँ तो पैर टेढ़ा मेढ़ा जाता है यार। ये देखा कैसे आवाज आती है तगड़ी ब्रेक की। ये आ गया सतनौली रोड भाई अपना, और इस रोड पर आगे चल के हम पहुंच जाएंगे अपने कॉलेज। सामने हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हो, कितनी बढ़िया भाई। ये हनुमान जी का मंदिर है भाई, बहुत अच्छा, और यहाँ पर इतनी बड़ी मूर्ति बना रखी है। और इससे थोड़ी आगे चल के आ जाता है RPS स्कूल, फिर आता है RPS कॉलेज। ये राइट में आ गया RPS स्कूल, और इससे कुछ करीब करीब 4 किलोमीटर आगे आता है RPS कॉलेज। मैं पहले OP5 वर्ल्ड स्कूल में पढ़ा करता था, अब उसको भी RPS ने खरीद लिया, उसका नाम हो गया अब RPS कनीना। वीर शहीद अमर रहे। ठेका शराब का देसी व ठंडी बियर। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं कॉलेज, थोड़ा सा दूर हो रहा है। कैसे खिंचम खिंचा रही है ब्रेजा। एक और पाइप्स की फैक्ट्री, पाइप्स की है ना ये, किस चीज़ की फैक्ट्री है देखने दो। ये भी पाइप्स की है, इस पे थोड़े छोटे साइज के पाइप है, छोटे साइज के पाइप। ये मंदिर आ गया, और ये कर्व है, और इससे बस थोड़ी सी आगे चलकर हमारा कॉलेज आ जाएगा। बस 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 आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो 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 चलो, बहुत एक्साइटेड हूँ यार। इतने टाइम बाद अपने कॉलेज जा रहा हूँ, मैं पास आउट हो चुका हूँ मेरे कॉलेज से, बट फेस्टिवल हो रहा है तो मैं कि चलो चलते हैं भाई। अपना कॉलेज तो अपना कॉलेज होता है यार, मेरे को बहुत प्यार है मेरे कॉलेज से। फाइनल ब्रेकर, फाइनल ब्रेकर, फाइनल ब्रेकर, आई स्वेयर फाइनल ब्रेकर। और सामने दिखाई देने लग गया हमारा कॉलेज, सामने वेटनरी कॉलेज दिखाई दे रहा है मेरे को, और अभी दिखेगा ब्लू ब्लू कलर में हमारा कॉलेज। ये दिख गया भाई, आई एम सुपर एक्साइटेड भाई, सुपर एक्साइटेड बोलते हैं ना जिसे। ओ आ जा अंकित, आ जा आ जा आ जा। वाओ RPS कॉलेज, वाओ। चलो चलो चलो, वाओ। क्या हाल चाल है, पहचान लिया? आओ भाई, वाओ आफ्टर सो लॉन्ग। पहुंच गए भाई कॉलेज में, सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड। वाह कितना सुंदर लग रहा है यार कॉलेज मेरा भाई, मेरा कॉलेज। चीता ही कह दे शेर। क्या गोल्ड कॉफी चार ले भाई, चार राहुल उठा भाई, ले राहुल चार, अपने तीनों चेयर्स भाई, रीयूनियन चेयर्स चार। भाई डीन सर ने हर जगह जगह कैमरे लगा रखे, देखते रहते कहा कोई गलत गतिविधि तो नहीं चल रही। कैमरे बहुत स्ट्रिक्ट है, देखो देख लो, अगर हम ऐसे ब्लॉग कर रहे हैं ना और स्क्रीन सर की तरफ है तो सर को स्क्रीन में ही पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं ये। गाइस हमने अपना जितना भी सामान था मोटो ब्लॉगिंग का, मैकबुक भी लेके आया था मैं, कैमरे वैमरे सारे के सारे लैब में रख दिए थे। हमारे जो सर थे, हमारे बहुत अच्छे सर है धर्मवीर सर, उनके कैबिन में रखे हुए थे, तो वहां से ले लेते हैं सेफ भी है सारी चीजें। सर खोलोगे? खुला ही होगा ये वाला तो।
खुल जा सिम सिम देगा भाई। जूनियर्स गाते तो अच्छा है भाई। चीता कह दे, चीता ही कह दे, तुम वो कर दो शेर शेर के शेर नहीं शेर। भाई अपने कॉलेज में आए ना, हमने ये वाली हवाबाजी पूरी करी। अंकित करियो तू भी शेर। शेर आजा मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरी एक्स मेरी दीवानी चली जा। गाइस मैं कुर्ता पजामा लेके आया हूं, और ये साला कुत्ता आज मेरे को पहनने नहीं दे रहा। ये कह रहा मैं नहीं लेके आया, तू भी नहीं पहनेगा। ये देख रहे हो, झूठ नहीं बोल रहा। ये देखो बैग, बैग मेरा देख, बैग मेरे बैग को छेड़ रहा है यार। क्या मैं तेरी गुद्दी मारूंगा। मेरा बैग है, क्यों ले रहा है मेरा बैग भाई? ये भाई कह रहा है अर्ष भाई तू ज्यादा सेक्सी लगेगा यार, और मैं इतना नहीं लग रहा। कुर्ता पजामा ये लेके नहीं आया इसके रात को मन में थी। बता सच, बता क्या सच है बोल अब। सच बहुत बढ़िया गाइस, रात को मैंने सोचा कल कुर्ता पजामा पहनेंगे लेके चलते हैं, बट मैं नहीं लेके आया। सड़क गंदा आदमी ले आया इसको, पता नहीं कहां से पता चला। भाई इसने बताया भी नहीं कि मैं कुर्ता पजामा पहन के आऊंगा। भाई मेरी खुद की चॉइस यार है। मैं ठीक है भाई, आज कुर्ता पजामा भी ले चलते हैं, थोड़ी देर अपने वेस्टर्न कल्चर में रहेंगे, फिर अपना पहन लेंगे कुर्ता पजामा। अब कह रहा तू नहीं पहनने का भाई, मैंने यार सुबह सुबह प्रेस करी इतनी देर। अंकित भाई कौन फोटो खिंचवा रही है ये भाई? ले इसकी खींच तू, अपने कौन है ये? ब्लॉग बना रहे हो? लाओ लाओ आज के साथ फोटो खिंचवाते हैं। हाँ जी मैडम जी, क्या नाम है आपका? कौन हो आप? निष्पीति राजपूत। कौन देश से आए? कौन कौन देश से आए हो आप? फिर वैसे फोटो मांगते किसी में, कहना नहीं देता तो। और गाइस आपको अपनी सरिता मैम से मिला देते हैं। मैम यू रेडी फॉर द व्लॉग? मीट ऑल मैम। भाई बहुत ही हम्बल और बहुत ही जेन्युइन पर्सनालिटी। लाइक मैम मेरे से एक बात कहती है, तेरी नी क्लियर क्यों ना हो लेकिन तेरा जो करियर है वो सेट हो जाता है। बिल्कुल सेट है। बढ़िया मैम, पपाया मैम ने कहा, बोलो भाई पपाया शेक। रियल लाइफ में भी पिया करो भाई, कोका कोला में कुछ नहीं रखा। मैम सुंदर आ रही है वैसे। थैंक यू सो मच भाई। लड़कियों की खास डिमांड आई है हाथ धो के बनाना। गिलास धोया है ना भैया? बिल्कुल सही है, सही है। चार छिट्टी और मार दो अंकित, छिट्टी मार दो। करना करना वो वाली हरकत। If you know, you know. Guys, खुशबू को बना बढ़िया रखा यार, ठंडा ठंडा गर्मी के माहौल में यही राहत देता है। वैसे हम पपीता काट के भी नहीं खाते, लेकिन आज चेक पी रहे हैं पैसे देके। सीरियसली जब तो बैठने रियल आउट कर दी भाई, डिस्को की बिट गई 1,00,000। 1,90,000 मतलब ऑलमोस्ट 2,00,000 की बिट लगी है इस बार। वो वजह से यूजी बिल्डिंग अलाउ करती भाई, और बेटर रिपीट। हां बिकॉज़ इतना फिर वो नहीं हो पाता ना कलेक्शन, दैट्स व्हाई। लेकिन बढ़िया है हिसाब किताब भाई। आज भाई का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। केक कटिंग करो, कांग्रेचुलेशंस ब्रो। गाइस तो आपको मिलवाते अपने मुदस्सिर भाई से। भाई बहुत बढ़िया फोटो खींचता है, और हमारा जूनियर है लेकिन बंदा एकदम जेन्युइन पर्सनालिटी, बिल्कुल भाई जैसा है। कैमरा दिखा अपना, कैनन ऑन करता है। कौन सा है कैनन? 1300D। 1300D पैसे वाली पार्टी। अभी आपको थोड़ा सा एंकरिंग का टच छोड़ देते हैं, एक बार करके दिखाते हैं अपने मजे वाली एंकरिंग। भाई आज हमारे डीन सर हो रखे हैं खूब गुस्सा। डीन सर गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? गुस्सा नहीं करना होता सर, ले रहे हैं सबकी क्लास। शूटिंग हो जाए भाई, एनर्जी कम हो गई। अभी तो हर्ष यादव आया है स्टेज पे। राम राम सारियाने, बोलो राम राम। टिंकरिंग हुए मगर मिस्त्री युगांतर बन गया। तो लो भाई आज हमारा छोटा भाई भी मिल गया है, इंट्रोडक्शन दे हमारे जनता को। भाई हमारा नाम प्रिंस है, और बस इसी स्टेज पे मिले थे, और आज फिर से यही स्टेज पे खड़े, फिर यही पे खड़े, और आज भाई फिर से यही मुलाकात हो गई है। बढ़िया बढ़िया भाई, भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है भाई, ठीक है गाइस अपना बढ़िया हिसाब किताब हो गया, कॉलेज में खूब एंजॉय कर लिया, और भाई यादें ताजा हो गई कॉलेज में आके। अब चलते अपने वापस घर पे, बाइक से उठाते हैं दोनों के दोनों, और छू मंतर हो जाते हैं मोटो व्लॉग करते हुए। ठीक है भाई चलता मैं। ओके ओके गीतांजलि मैम चलता हूँ मैं। ओके मैम बाय, थैंक यू मैम, थैंक यू।
व्लॉग में आ रहे हो आप? अच्छा, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, कैसे हो आप? आपका भूल गए आपको? मैं भूल गया? ऐसी ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसमें कैसे पीऊंगा मैं? पियोगा के? ठीक है गाइस, ये देख लो, ये अपना कॉलेज। मुदस्सर आलिया भाई, मुदस्सर आलिया, मैं तेरे को ही देख रहा मैं कि पहुंच गया कि नहीं। इसको लाना पड़ेगा, फोन तेरा लग नहीं रहा। ठीक है चलते हैं, मैं तो मिलने ही आ रहा था, बस अभी निकल रहा हूँ। और फिर कभी मिलेंगे तो मिलेंगे, जब भी अगली बार कुछ होता है फिर मेरा टाइम लगता है, चलता हूँ फिर मैं। ठीक है भाई, अपनी दूसरी जो बाइक है पाचे वो भी उठा लेते हैं। ऑल द वे बैक टू होम। आज के लिए बस इतना ही व्लॉग रखते हैं, पहले ही व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। और थैंक यू व्लॉग देखने के लिए, अगर आपको छोटी सी भी चीज पसंद आई है तो व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। हमारे सब्सक्राइबर्स कुछ 1285 हो गए हैं, 15 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखते हैं, 1300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। अगर आप देख रहे हो 1300 हो गए हैं तो एक नीचे कमेंट्स में दिल छोड़ दो। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे और किसी दिन और किसी व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए हर्ष यादव।